हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कक्षा 10 गणित पार्ट 4। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। इसमें इसका साइज चल रहा था 5 थी। कुछ सवाले हो गए कि कल और आज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और भी हैं एनसीईआरटी के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दिया है कि उस समांतर श्रेणी का इकतीसवां पद ज्ञात कीजिए। इकतीसवां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार फिर से। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। प्यारे बच्चों, कल एक क्वेश्चन ऐसा देखा गया था, आप लोगों को बताया गया कि इसमें हमको प्रथम पद और सार्वांतर की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार हम प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो एक दिशावां पद पूछा गया है, 11वां पद दिया है और 16वां पद। तो चलिए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। 11वां पद, 11वां पद कितना है? 38 है। तो 11वां पद मतलब हो जाएगा a प्लस 10 बराबर 38 होगा कि नहीं? समीकरण नंबर 1। 16वां पद 73। 16वां पद मतलब a प्लस 15 बराबर कितना? 73। समीकरण नंबर बच्चे दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को हम सॉल्व करके a और d का मान निकालते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, हम यहाँ पर दो में से एक को घटा देते हैं, दो माइनस एक से। तो भैया जैसे घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल, 15d में से 10d घटाएंगे तो कितना आएगा? 5d। और 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3 और काट देंगे तो d का मान आ गया कितना बच्चों? 7। डी का मान कितना आ गया? 7। अच्छा, जब डी का मान 7 आ गया, अब डी का मान क्या करेंगे? चाहे एक में रख देते हैं चाहे दो में। तो हम एक में रख देते हैं, तो एक में रखेंगे क्या बनेगा? ए प्लस 10d, डी के स्थान पर 7 बराबर 38। तो ए बराबर सॉरी ए प्लस 70 बराबर 38। ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? 38 माइनस 70 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा? 10 में 7 की तो और 6 में 3 की तो सॉरी 6 में 3 की 3 माइनस 32। प्रथम पद आ गया माइनस 32 और सार्वांतर आ गया 7। जब प्रथम पद और सार्वांतर मिल गए बच्चों तो एक समांतर पद ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। 11वां पद दिया था 38 और 16वां पद कितना है? 73। इस तरीके से देख रहे हैं कि आप फिर से क्लियर कर लेते हैं। 11वां पद है a प्लस 10d बराबर 38 और 16वां पद a प्लस 15d बराबर 73। हम क्या किए, दो में से एक को घटा दिए, a से a कैंसिल हो गया, 15d में 10d हटाएंगे 5d आएगा और 73 में 38 हटाएंगे 13 में 8 गए 5, 6 में 3 गए 3, डी का मान आ गया 7। अच्छा, डी का मान 7 आ गया तो क्या किए, समीकरण नंबर 1 में रख दिए तो ए का मान आ गया।
अब निकाल सकते हैं एक की समाप्त पद, तो टी 31 बराबर कितना लिख सकते हैं, ए प्लस 30। तो रख देते हैं, तो ए प्लस ए के स्थान पे कितना रखेंगे बच्चों, माइनस 32 प्लस 30 टी, टी के स्थान पे कितना आपका 7। फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे हम, तो टी 31 बराबर माइनस 32 T31 बराबर माइनस 32 प्लस 7 × 21 210, तो माइनस 32 को घटा देते हैं 210 में, तो कितना है बच्चों, 10 में 2 गए 8 और 10 में 3 गए 8, तो 31वां पद कितना है बच्चों, 88। तो क्या बच्चों समझ में आया, ये था क्वेश्चन कि उस समांतर श्रेणी का इक्तिसावां पद ज्ञात कीजिए जिसका ग्यारहवां पद 38 और 16वां पद 73। तो क्या करना था, सबसे पहले हमको यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करके हम इक्तिसावां पद निकाल लेंगे ए प्लस 33। कैलकुलेशन कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बढ़िया सवाल देखा जाए, हाँ 11 नंबर सवाल देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन दिया है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके दसवें पद से सात अधिक है, तो इसका सार्वत्र ज्ञान कीजिए। देखते हैं किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं सॉल्यूशन में कि माना सार्वंतर डी, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी चलिए, तो कंडीशन दिया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। क्या प्रश्न हमारे से लिख सकते हैं 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 17वां पद कितना हो जाएगा a प्लस 16d और यहाँ पर a प्लस 90 और प्लस 7 देख सकते हैं। अच्छा a से a कैंसिल हुआ, 16d और a 90 इधर आ जाएगा, तो 16d माइनस 90 बराबर कितना 7 और 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7, d बराबर 7 और d बराबर कितना आ गया 3 सेंट। बढ़िया सवाल, चलो कॉपी कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया सवाल है,
कहा है कि यदि की समांतर श्रेणी का युग्मफल, यदि एक समांतर श्रेणी का युग्मफल 1 अपान एम है तथा युग्मफल 1 अपान एम हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि एमएनवा पद एक होगा, एमएनवा पद एक होगा तथा प्रथम पद 1 अपान एमएन। काफी बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन काफी करिए आपको मिटाएंगे क्योंकि जगह कम पड़ेगा। तो यदि एक समांतर श्रेणी का एमओ पद 1/n और एनओ पद जो है 1/m है तो सिद्ध कीजिए कि एमएनओ पद 1 होगा और प्रथम पद 1/mn। चलिए देखते हैं बच्चों, सांसद माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वत्र डी प्रथम पद ए मान लिया गया सार्वत्र डी, तो क्वेश्चन क्या कहा है कि एमओवा पद 1/n ठीक, एमओवा पद क्या फार्मूला लिख सकते हैं ए प्लस एम माइनस वन एक टू लिख सकते हैं क्लियर बराबर 1/n। फिर बच्चों आगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा nवां पद 1/m, nवां पद a प्लस n माइनस 1 इनटू डी बराबर 1/m, ये तो फार्मूला ही, तो ये गुणा कर देते हैं d का तो a प्लस एन टी माइनस डी बराबर 1/m। समीकरण नंबर 2, टारगेट हमारा वही था ए और डी का मान ज्ञात करना। दो इक्वेशन मिले प्रश्न अनुसार कि एम वा पद 1/n है और एन वा पद 1/m है तो एम वा पद 1 होगा सिद्ध करना है और प्रथम पद 1/mn। तो चलिए बच्चों क्या करते हैं, दो में से एक को घटा दिया जाए या एक में से दो को घटा दो जो इच्छा कहें। अगर हम एक में से दो घटा रहे हैं तो ए से ए कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, तो हमारे पास मैटर क्या बचेगा एम डी माइनस एन डी बराबर 1/n और माइनस 1/m। यार बच्चे देखा जाए तो यहाँ पर डी कॉमन है तो क्या बनेगा एम माइनस एन, यहाँ एलसीएम ले लिया जाए एम एन और यहाँ पर बनेगा एम माइनस एन, एम माइनस एन एम माइनस एन से कैंसिल आउट तो डी बराबर कितना आ गया, d का मान आ गया 1/mn। क्लियर, अब इसी d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, रख दिया जाए d का मान 1 में रखने पर रख दो a प्लस m डी d के स्थान पे 1/mn और माइनस d 1/mn और बराबर कितना 1/n। बच्चे एम से एम कैंसिल और यहाँ पर 1/n आएगा, ए प्लस 1/n और माइनस 1/mn और बराबर 1/n, इनसे इनसे ए कैंसिल तो ए का मान कितना आ गया 1/n। मेरे बच्चे क्वेश्चन देखिए प्रूफ करने के लिए कहा था कि सिद्ध कीजिए उसका प्रथम पद भी कितना होगा 1/mn, ये कैंसिल हो गया। क्लियर, अब पूछ रहा है कि एमएनवा पद, एमएनवा पद फिर उसे कॉपी करिए तो फिर आगे चलते हैं। एपी का प्रथम पद लिया गया सार्वत्र डी,
एम वहाँ पर एक बटे एन तो फार्मूले में रखा गया है, इसको कैलकुलेट किए, इसी प्रकार एल वहाँ पर एक बटे एम इसको भी कैलकुलेट किए, इतना एक और दो को घटाया गया, डी का मान निकल गया। अब डी का मान एक या दो में रखकर ए का मान निकाला गया 1/n है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में कहा था कि सिद्ध करना है कि एम एनवा पद एम एनवा पद एक बटे पद एम एनवा पद एक होगा। चलिए देखते हैं एम एनवा पद निकाल लेना, फार्मूला जानते हैं ए प्लस एम एन माइनस वन ए टू डी होगा, क्यों भैया भाई फार्मूला एनवा पद वाले से एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस वन ए टू डी से ही यहाँ एन वहाँ पर क्या रख देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ए व डी का मान रख दिया जाए, ए व डी का मान रखने पर ए व डी का मान रखेंगे प्यारे बच्चों की एमएनवा पद आएगा आपका ए के स्थान पे 1/n एमएन अभी निकाला गया हुआ ही प्लस एमएन माइनस 1 इनटू डी डी के स्थान पे 1/mn अंदर गुणा कर देते हैं 1/mn और प्लस इसका इसका गुणा करके एमएन से एमएन कैंसिल बचेगा एक माइनस 1/mn 1/mn कैंसिल हुआ कितना ए। इस प्रकार एमएनवा पद आपका ज्ञात हो गया कितना हुआ ए। ये जो क्वेश्चन से निकलने के कहा था कि किसी समांतर श्रेणी का एमएनवा पद एक बटे एन और एनवा पद एक बटे एम है तो सिद्ध कीजिए कि एमएनवा पद एक होगा और समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक बटे एम एन। आपके अच्छा क्वेश्चन था तो प्यारे बच्चों लगातार लगे रहिए, मेहनत करिए, जान समझ में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग सवाल लगाइए, जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, बता दिया जाए, ठीक है।